हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम एसएससी एमटीएस जी के टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुड़िया कुनीता कहाँ का एक लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? गुड़िया कुनीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंद स्वराज किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, आशीष राय। सही उत्तर हो जाएगा आशीष राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप में भगवान राम को समर्पित है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है रघुनाथ। रघुनाथ जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप में भगवान राम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसके लिए प्रावधान है? आर्टिकल 44 रिलेटेड है समान नागरिक संहिता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का यानी कि 48A में राज्यों को संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, शिक्षा, पर्यावरण, व्यवसाय या खनिज संसाधन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊँचा बांध है? सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध होगा, लेकिन यहाँ पर ऊंचा बांध पूछा गया है। ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज राजगृह। ठीक है, सही उत्तर क्या है? गिरिव्रज राजगृह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन के किस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दिन के किस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? कौन सी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अस्तित्व में कब आया? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ए ऑप्शन होगा 1988। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलेडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्क राज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, मास्को, अस्ताना या बीजिंग में? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्ताना में। SCO शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक है, क्या है? केशिका है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन गाया गया। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन राष्ट्रगान गाया गया, तो कहाँ गया, कहाँ गाया गया ये आपको बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, कोलकाता में गाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 7.32 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, 5 में से 3 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपली जिसकी किसकी सहायक नदी है? कोपली जो है किसी की सहायक नदी है, तो किसकी है? तो कोपली एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या सत्य शोधक समाज? तो सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदारिन भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, तो मंदारिन जो है चीन की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित है? मतलब यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।